हेलो एंड वेलकम टू ऑलवेज हंग्री। तो कैसे हैं आप लोग? केड़ो वाला है सब सुटो? आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ये सब आपकी बदौलत है। ऐसे ही साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजर्ट जिसका नाम है बटरस्कॉच मूस। मुझे भी बहुत पसंद है मूस। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें हम रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स है व्हिप क्रीम, ब्राउनी केक जिसको मैंने कुकी कटर से राउंड शेप में काटा है, बटरस्कॉच एसेंस और ये कैरेमल सिरप। अगर आपको कैरेमल पसंद नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट अच्छा आता है तो इट एक्ट्स एज अ टेस्ट एनहांसर। मैंने ये व्हिप क्रीम को अच्छे से व्हीप कर लिया है। अगर आप लोगों के पास ये डबल बीटर नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो आप इसे हैंड विस्कर से विस्क कर सकते हैं और दूसरा आप ये यूज़ कर सकते हैं जो कि है चॉपर। इसमें एक ब्लेड आती है साथ में, ऐसी ऐसी दिखती है ये ब्लेड। आप ये ब्लेड के ज़रिए थोड़े थोड़े सेकेंड्स में उसको विस्क कर सकते हैं, जिस तरह से इसी कंसिस्टेंसी की आपको क्रीम रेडी मिल जाएगी। तो स्टार्ट कर दें। तो अब हम इसमें कैरेमल सिरप डालेंगे। ये एज पर द टेस्ट होता है, आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट फिर बहुत ज़्यादा मत करना कि प्रोमिनेंट हो जाए, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे बटरस्कॉच एसेंस 2-3 ड्रॉप्स। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ गया और ये टेक्सचर सही है। मिनिमम 5 टेबलस्पून तो चाहिए ही कैरेमल, ताकि उसका टेक्सचर आए, टेस्ट आए और कलर भी आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आया है जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा पाइपिंग बैग रेडी है। तो अब प्लेसमेंट कर देते हैं। एक ग्लास लेंगे, उसमें पहले थोड़ा सा हम व्हिप क्रीम डाल देंगे। अब एक केक पीस ले लेंगे, उसको अच्छे से प्लेस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे ब्राउनी केक लिया है। अगर आपको ब्राउनी केक पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल चॉकलेट केक भी ले सकते हैं जो रिफाइंड फ्लोर यानी कि ये ऑल पर्पज़ फ्लोर से बनता है, मैदे से, वो केक भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसकी इंग्रेडिएंट्स और रिटन रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आपको वर्चुअल रेसिपी चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे हम 3 लेयर बना लेंगे। ये मैंने 3 लेयर रेडी कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको लुक और गार्निशिंग के लिए हम चॉकलेट सॉस यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो रेडी है आपका टेस्टी बटरस्कॉच मूस। मेरी आज की रेसिपी बटरस्कॉच मूस, जरूर ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, जो भी सजेशंस है आपने, अगर इसमें कोई वेरिएशन डाला तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताइए, और उसके साथ कैसा लगा वो भी मुझे बताइए, और आप कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बोलना ना भूलिएगा। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। तो बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि मैं और क्या क्या रेसिपीज डाल रहा हूँ, एंड शेयर लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो बने रहिए मेरे साथ ऑलवेज हंग्री।